सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में कोई भी चीज सिक्योर्ड नहीं है। अगर हम लॉक्स के बारे में बात करें तो उसको तोड़ा जा सकता है, उसको खोला जा सकता है। अगर हम ऑनलाइन पासवर्ड्स के बारे में बात करें तो वहां पे पासवर्ड्स को गेस किया जा सके। तो हम वो चीजों को किस तरह प्रोटेक्ट करें जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे सेफेस्ट होता है वो है बायोमेट्रिक लॉक्स, मतलब कि फेस स्कैनर या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर आयरिस स्कैनर। आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में बताऊंगा, ये किस तरह काम करता है और ये कैसे चीजों को प्रोटेक्ट करता है। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सबके पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं, मतलब कि हमारी उंगलियों में फ्रिक्शन रीजेस होते हैं जिसके मदद से हम चीज़ों को ग्रिप कर सकते हैं। तो वो हमारी फिंगर्स को रफ बनाता है, जिस वजह से वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है हमारी फिंगर्स और ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो इसलिए हम इजीली कोई भी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के लिए यूनिक होते हैं। ये एक रेंडम प्रोसेस होता है जो कि आपके डीएनए के अकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट्स को डेवलप करता है। तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस भी हो ना तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। ये पॉसिबल है कि आइडेंटिकल ट्विंस में फिंगरप्रिंट्स सेम होंगे, लेकिन ये बहुत नेग्लिजिबल होता है। आप जन्म भी नहीं लेते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाता है। मतलब आप जब वूम में रहते हो, आप जब 7 महीने का होते हो, तब से आपका फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं कोई भी बड़ी कंपनी के बारे में बताऊं, तो बड़ी कंपनीज के एंट्री में, मेन एंट्री में आप देखोगे वहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर सिस्टम होगा। तो वहाँ पे बेसिकली दो स्टेजेस होते हैं। मतलब पहला स्टेज जो होता है वो एनरोलमेंट स्टेज होता है, दूसरा स्टेज होता है वेरिफिकेशन स्टेज। पहला स्टेज में क्या होता है, एनरोलमेंट में तो जो स्कैनिंग सिस्टम होता है वो हर एक एम्प्लॉय को पहले वो उनके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करता है, उसके बाद वो उन फिंगरप्रिंट्स को सिक्योरली अपने डेटाबेस पे सेव करता है। वो सिक्योरली जब सेव हो जाता है, दूसरा स्टेज वहाँ पे आता है जिसको कि जो वेरिफिकेशन स्टेज होता है। वेरिफिकेशन स्टेज में क्या होता है, जब आप एंट्री करना चाहते हो वो एम्प्लॉई क्या करेगा, वो फिंगरप्रिंट वहाँ पे जो स्कैनर होगा वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे डालेगा, उसके बाद वो जो सिस्टम होगा वो उसके बाद उसको स्कैन करेगा और मैच करने की कोशिश करेगा अपने जो भी डेटाबेस में होगा फिंगरप्रिंट्स पैटर्न्स। अगर वो मैच किया तो वहाँ पे वो एक्सेस गेन कर लेगा और एंट्री वहाँ पे करेगा। अगर वहाँ पे वो एक्सेस नहीं कर पाया, मैच नहीं कर पाया, वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये काम किस तरह करता है, किस तरह वो सिस्टम जो होता है वो मैच करता है वो पैटर्न को, वो फिंगरप्रिंट को। पहले जो होता था, पहले अगर सपोज कोई क्राइम सीन होता है तो वहाँ पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते थे वो क्या करते थे, वो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को लेते थे, उसके बाद वो जो सस्पेक्ट होता है उसका फिंगरप्रिंट वो लेते थे, उसके बाद वो माइक्रोस्कोप या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उसको वो पैटर्न को मैच करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये तो सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है ना, सिस्टम में तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठा है अंदर, वो तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन स्टेज में क्या होता है ना, हर एक प्रिंट को एनालाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक फीचर को लेके जिसको कि मिन्यूटी बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके जो फिंगरप्रिंट होता है उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर उन फीचर्स के बीच के डिस्टेंस और एंगल को लाइन के जरिए लाइन ड्रॉ करके उसको वो मेजर करता है। फिर वो कंप्यूटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कोड में उसको बदलता है, एल्गोरिथम के मदद से कोड में बदलने के बाद वो फिर से उसको मैच करने की कोशिश करता है अपने डेटाबेस के साथ। अगर वो मैच हुआ तो एक्सेस गेन होगा, अगर मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप कोई भी ऑफिशियल बिल्डिंग पे जाओगे या फिर कोई भी सिक्योर्ड जगह पे जाओगे, वहाँ पे आपको 2 अलग अलग तरह के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मिल जाएंगे। एक होता है ऑप्टिकल स्कैनर। वो ऑप्टिकल स्कैनर में क्या होता है, आप फिंगरप्रिंट जब वहाँ पे देते हो तो वहाँ पे एक लाइट, बहुत ही ब्राइट लाइट वहाँ पे वो उसको पास करता है। वहाँ पे लाइट पास करने के बाद वहाँ पे आपका एक डिजिटल इमेज वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप अगर कभी अपना हाथ को फोटोकॉपी किए हो
तो बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसे जेरॉक्स में आप किए होंगे फोटोकॉपी, उसी की तरह ये होता है। वहां पे ब्लैक फोटोकॉपी प्रोड्यूस होता है, ब्लैक फोटोकॉपी वहां पे होता है, यहाँ पे जो होता है ये ब्राइट लाइट वहां पे शाइन होगा। तो वहां पे माइक्रोचिप यूज होता है जो कि सीसीडी माइक्रोचिप होता है। सीसीडी मतलब चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस, या फिर सीएमओएस इमेज सेंसर के जरिए भी ये होता है। ये लाइट सेंसिटिव चिप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है इमेज इसी के जरिए ही स्टोर होता है, फीड होता है वही कंप्यूटर पे। उसके बाद वो जो होता है वहां पे एक लाइट पास किया जाता है जिससे कि डिजिटल फोटोग्राफ को वहां पे लिया जाता है। फिर वो पैटर्न को मैच किया जाता है डेटाबेस के साथ और वहां पे देखते हैं कि वो मैच हुआ है कि नहीं। और एक होता है जिसको कि कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर बोलते हैं। वो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है वहां पे आपके फिंगरप्रिंट को इलेक्ट्रिकली मेजर किया जाता है। जब भी आप अपने हाथ को सरफेस पे रखोगे, फिंगर को वहां पे सरफेस पे रखोगे, तो वहां पे आप देखोगे जो रेजेस होते हैं वो सरफेस को टच करेगा और दोनों के बीच जो होलो होता है वो सरफेस को टच नहीं करेगा, जिसके मदद से वो जो होता है स्कैनर होता है ना, वो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। वही होलो के साथ उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेगा, उसके बाद उसका पिक्चर लिया जाएगा। तो वही जो पिक्चर लिया जाता है उससे पता चलता है कि फिंगरप्रिंट किस तरह बना है। तो ये बेसिकली एक आईपॉड या फिर आईफोन के टच स्क्रीन की तरह ही होता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर्स जो है ये बहुत ही पॉपुलर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है। आपके बैंक्स में अगर पर्सनल डिटेल्स है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ नंबर्स के मदद से, डिजिट्स के मदद से ही पासवर्ड में सेव होते हैं। तो सिर्फ नंबर्स के जरिए, डिजिट्स के जरिए हो सकता है कोई आपके पर्सनल डिटेल्स या फिर इन्फॉर्मेशन जान ले। तो इसलिए आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हर जगह पे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल हो। हो सकता है वो आई स्कैनर हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फिर फेस स्कैनर हो, तो ये बहुत अच्छा भी रहेगा और बहुत सेफ भी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या होता है, किस तरह ये काम करता है और कैसे ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने मेरे ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।